4 में मैं हूं आपके साथ प्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत राज पैजुना में। आइए जानते हैं यहां से जनता की परेशानी और जानते हैं कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। नल जल की बात करेंगे और सड़क की बात करेंगे, नली गली की बात करेंगे और मनरेगा की बात करेंगे। कितना काम हो पाया है, सुनिए भाई जी, कितना काम हो पाया आप बताइए, कितना विकास हो पाया आपके पंचायत सर? इधर हमारा कुछ नहीं है, इधर जितना कुछ विकास नहीं हुआ है, सब अधूरा हुआ है। देख रहे हैं ना, कुछ भी विकास नहीं जी, नहीं कुछ नहीं हुआ। आइए, बहुत जनता में बहुत आक्रोश है, बताइए क्या हुआ? कुछ विकास का नाम का कोई चीज नहीं है, ना नली बना है ना गली बना है। आइए इनसे भी जानते हैं क्या क्या हुआ है। हम लोग इतना गलीज में है कि एकदम रहने का निकलने का मन नहीं करता है भीतर से। तो मुखिया जी के पास नहीं जाते, मुखिया बात को तो सब कुछ कर दी, नहीं सुनते क्या सुनता कोई? सब तो गांव ही क्या है मगर कोई सुनवाई नहीं करता है। आइए कुछ और महिला से जानते हैं इनको, इनका झोपड़ी जैसा मकान है, आइए जानते हैं इनको कितना इंदिरा आवास मिला है कि नहीं। आपको मिला है क्या घर? घर नहीं मिला है, घर नहीं मिला। पानी पहुँच रहा है घर तक? हाँ पानी पहुँच, पानी पहुँच रहा है। राशन मिला है? हाँ राशन मिलता है। कब कब मिलता है? तीन महीना पर मिलता है, कभी मिलता है कभी मिलता नहीं। अच्छा, तीन महीने पर मिलता है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। 5 किलो देता तो 3 किलो काट लेता। पैसा भी लिया जाता है? नहीं, पैसा भी लिया जाता है। कितना पैसा लिया जाता है? पैसा नहीं, किलो में 19 रुपया, एक यूनिट पे 23 रुपया लेता है। कैसे किलो मतलब? यानी किलो पर चावल कैसे किलो? 3 रुपया। और गेहूँ छोर कैसे? 2 रुपये मिलता है ना? नहीं ज्यादा लेता है मैडम, ज्यादा लेता है। नहीं सोच लेना, 20 किलो में 81 रुपया लेता। कहाँ पे राशन मिलता है? डीलर साहब का? हाँ डीलर साहब यहाँ। कहाँ पे मिलेंगे वो? वो घर पे ही मिलेंगे अपना। अच्छा, वो घर पे मिलेंगे। आइए जनता में, आइए कुछ सड़क भी दिखाते हैं, किस तरह का दिखाया जाए सड़क को, बोल रहे हैं लोग। देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है। यहाँ पे एक बाबा हैं, इनसे भी जानेंगे विकास के बारे में। और बहुत सारी यहाँ पे कमियाँ, जनता में बहुत आक्रोश दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में विकास हुआ है? विकास तो क्यों होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ। आपको पेंशन मिलता है? नहीं। राशन मिला आपको? नहीं। शौचालय मिला? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है, बहुत ही कमियां हैं। और देख रहे हैं आप जनता का कितना भीड़ है, इन्हें भी दिखाया जाए और नली को भी दिखाया जाए किस तरह से यहाँ पे नली गली और रोड भी देख सकते हैं, जनता का देख सकते हैं आप कितना भीड़ है यहाँ पे जनता का, जो बोल रहे हैं कि मुखिया जी कुछ नहीं काम करते हैं। और हम वार्ड सदस्य से भी जाते हैं मिलने, वो भी कुछ। आइए इनसे पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो कुछ ही हुआ ही नहीं है, काम कुछ भी, कुछ भी नहीं हुआ। विकास हुआ था, दोहराए देखिए, हमारा 10 साल पहले का रोड है, ये वाला देख लीजिए, ये 10 साल पहले का और ये 6 महीना पहले का है, देख लीजिए। इसे दोनों में आप मिला ले सकते हैं। और क्या क्या? शौचालय मिले? नहीं मिला है। पानी पहुँच रहा है? पानी में पहुँचता है, थोड़ा बहुत पहुँचता है, नहीं आता है टाइम पे, नहीं है। और क्या क्या परेशानी? और परेशानी, हम लोग का बाथरूम नहीं है, आने जाने का, नली गली का हम लोग का बहुत परेशानी। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन भी मिलता है तो 5 किलो में 2 किलो काट लेता है, काट लेता है 2 किलो। और मनरेगा पे कितना काम होता है? मनरेगा में कुछ काम नहीं हुआ। देखिए रास्ता, ये हम लोग का आहार है, आहार में कोई भी खाली छील दिया गया। अच्छा, और डाल दिया मट्टी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी परेशानियां हैं, नहीं सोखता का निर्माण है, नहीं आहार वहाँ पे बना है, और बहुत लोगों को शौचालय नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं मिला, इंदिरा आवास भी नहीं मिला। जनता में बहुत ही आक्रोश है और देख सकते हैं आप, दिखा सकते हैं कैमरामैन को, कहेंगे दिखाना थोड़ा कि कितना सारा भीड़ है। जनता में बहुत आक्रोश है कि मुखिया जी से मिलने जाते हैं तो वो भी नहीं सुनते हैं, और वार्ड सदस्य से भी हम मिलते हैं तो वो भी नहीं सुनते। आइए देखिए कितना सारा जनता है। कुछ और महिलाएं से जानते हैं क्या क्या हुआ है, बताइए मैम क्या क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ विकास नहीं, नहीं मुखिया जी से नहीं मिला। चलिए घर दिखा देंगे, घर ऐसी झोपड़ी है, पानी पड़ता है, पकने के अनाज छिलते, भूख मरते हैं। आइए बाबा से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे बाबा। हम क्या बताएं, जो ही बता दिया वही है, वही आपका भी वही परेशानी है, सबका लगातार वही परेशानी है। पानी नहीं पहुँच रहा है, सड़क भी खराब है, नली की भी स्थिति बहुत ही खराब है। जनता में आप देख सकते हैं जनता का कितना भीड़ है, और कोई भी परेशानी का आप दिखाना चाहेंगे वो घर दिखाइए, कितना मतलब ये लोग किस तरह की परेशानी झेलते हैं। बारिश होता है, पानी आ जाता है अंदर, फिर नाली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया, नमस्कार।